वहीं अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। चंडीगढ़ घेराव की कॉल के बाद प्रशासन अब एक्शन के मूड पर है। प्रदेश में कई किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है। किसान नेताओं ने कई वीडियोस जारी करके किसानों से शंभू बॉर्डर पर जमा होने को कहा है, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस ने यहां भी मोर्चा संभाला हुआ है। किसानों को चंडीगढ़ कूच से रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। अम्बाला पुलिस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि किसानों ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं ली है, वो चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस तैनात है। पंचकुला में पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। अगर किसी तरीके से किसान चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंच भी जाते हैं तो पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि उन्हें चंडीगढ़ में एंट्री से रोका जा सके। तो देखिए, आज बड़ी संख्या में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के किसान चंडीगढ़ कूच करेंगे। किसान नेताओं ने बाकायदा इसके लिए प्लानिंग की हुई थी, लेकिन कल देर रात से ही कई किसानों को नज़रबंद किया गया। किसान नेताओं को कहीं घरों पर, कहीं थाने पर रखा गया। और हालांकि वीडियोस जारी करके किसान नेताओं ने किसानों से आह्वान किया कि चंडीगढ़ कूच करें। किसानों की अपनी मांग है, कुछ राज्य सरकारों से, कुछ केंद्र सरकार से। हालांकि किसानों को चंडीगढ़ पहुंचने से रोकने के लिए चंडीगढ़ की जितनी भी कनेक्टिंग सड़कें हैं उन तमाम सड़कों पर पुलिस की व्यवस्था पुख्ता की गई है। आकलन और अंदाज़ा यही है कि तकरीबन 20-25 हज़ार किसान पहुंच सकते हैं। उसी को देखते हुए सभी जो बॉर्डर्स हैं, जो चंडीगढ़ को अलग अलग जगहों से जोड़ती हैं, उन बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। इस वक्त मेरे साथ विजय राणा जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, और दिव्या भी मेरे साथ जुड़ गई हैं पंचकुला से। सबसे पहले विजय, आपके पास चलेंगे, क्या अपडेट इस वक्त है? क्योंकि किसानों के आह्वान के बाद प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की हुई है, तो वर्तमान में अभी स्टेटस क्या है? देखिए, अगर हम वर्तमान स्टेटस की बात करें तो अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 20 से ज़्यादा ऐसे रास्ते हैं जो चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट हैं हरियाणा और पंजाब की तरफ से, और सभी रास्तों को पूरी तरह से सील किया गया है। और जो मुख्य सड़कें हैं जहां पर यातायात जारी है वहां पर भी सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, और ऐसे वाहन अगर लगते हैं जिनमें प्रदर्शनकारी किसान हो सकते हैं उन वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। खासतौर पर ट्रैक्टर ट्राली है या कोई बस है, प्राइवेट बस जिसमें लोग भर के आ रहे हैं या गाड़ियाँ हैं, तो ऐसे वाहनों पर नज़र पुलिस रख है। और 20 से ज्यादा रास्ते हैं जहां पर पुलिस इस तरह की जो कार्रवाई है वो कर रही है। और अगर हम चंडीगढ़ की सीमाओं की बात करें, चाहे वो हरियाणा या पंजाब या चंडीगढ़ पुलिस है, तो 5,000 से ज्यादा जवान जो हैं इस समय सीमाओं पर डटे हुए हैं ताकि चंडीगढ़ के अंदर जो है वो किसान प्रवेश ना कर पाए और यहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लोगों को यहाँ पर सड़कें ना जाम हो, यहाँ पर आंदोलन ना हो। अगर पंचकुला की बात की जाए तो जैसे दिव्या ने बताया कि पंचकुला की सारी सीमाएं जो हैं वो सील की गई हैं और किसान जो हैं उन्हें पंचकुला के अंदर आने से भी रोका गया है। फिलहाल जो किसान प्रदर्शनकारी हैं पंचकुला के अंदर भी नहीं आ पाए हैं, और उसके बाद जो चंडीगढ़ बॉर्डर है, पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर है, वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। यानी पुलिस जो है पूरी तरह से जो मुस्तैद है कि किसी भी में जो ये प्रदर्शन है वो उसको उग्र ना होने दिया जाए पिछले प्रदर्शनों की तरह, और चंडीगढ़ में इनको किसानों को प्रदर्शन करने से रोका जाए। इससे पहले रविवार को किसान नेताओं की पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने तब ये कहा था चंडीगढ़ प्रशासन के सामने कि उन्हें चंडीगढ़ सेक्टर 17 में प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से साफ तौर पर मना कर दिया गया था कि वो यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तब उन्होंने कहा कि हम चंडीगढ़ आएंगे और अगर पुलिस प्रशासन रोकता है तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और उसी को देखते हुए चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा पुलिस के सभी पुलिस अधिकारियों ने जो है आपसी मीटिंग्स की, आपसी योजना बनाई, और उस रणनीति के तहत जो है पूरी तरह से चंडीगढ़ के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। मोहाली में बॉर्डर को सील किया गया, वहाँ से किसान जो है वो, हालांकि वहाँ पर किसान पहुँचे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। शंभू बॉर्डर की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर किसान ज़रूर इकट्ठा हो रहे हैं, और फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका ध्यान शंभू बॉर्डर की तरफ है कि वहाँ पर भी प्रदर्शन को ना बढ़ने दिया जाए। जहाँ तक अगर हम वर्तमान स्थिति की अभी की बात करें तो फिलहाल 22 तारीख को आह्वान किया गया था प्रदर्शन का, और आज
इस जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को रोकने में कहीं ना कहीं फिलहाल पुलिस यहाँ पर तो कामयाब होती दिख रही है कि पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ में तो कम से कम भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी पुलिस ने, और अभी जो मुस्तैदी है पुलिस की वो आगे भी जारी रहेगी ताकि आगे आने वाले दिनों में किसान जो हैं वो दोबारा प्रवेश की कोशिश ना करें चंडीगढ़ में। अब देखना होगा कि जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर किस तरह के जो हालात हैं वो बने हुए हैं, किस तरह से वहाँ पर पुलिस उन किसानों को वापस लौटाती है और जो वहाँ पर जो सड़क जाम करने की कोशिश की जा रही है उसे खुलवाती है। जी ठीक है, दिव्या का भी रुख कर लेते हैं। दिव्या, पंचकुला बॉर्डर जो चंडीगढ़ को जोड़ती है वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि पहले तो कोशिश यही होगी कि जो किसान आ रहे हैं उनको उन्हीं जगहों पर रोका जाए। मौजूदगी पंचकुला हाउसिंग बोर्ड पर है जो पंचकुला से चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी है। इस वक्त यहाँ पर जो है पंचकुला पुलिस प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के जो मुलाजिम है वो यहाँ पर सुबह से ही तैनात कर दिए गए थे। अगर हम पंचकुला के साथ लगते जीरकपुर की बात करें तो पंचकुला के साथ जीरकपुर और पंचकुला के और चंडीगढ़ के 27 ऐसे द्वार है जिनको पूरी तरीके से प्रवेश बंद कर दिया गया है। और लगातार जिस तरीके से हम किसानों की बात की जा रही है, किसान आंदोलन जो चंडीगढ़ की तरफ किसान कूच करने के लिए निकले थे उन पर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा शिकंजा कसा गया। वर्तमान की अगर हम बात करें तो पंचकुला के जो DCP है सुमेर प्रताप वो भी जो है मौके पर मौजूद है, वो भी जगह जगह पर जो नाकेबंदी की गई है उन पर जो है जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अगर पंचकुला के साथ लगते रामगढ़ की बात करें तो वहां पर भी चौकी इंचार्ज सही तमाम पुलिस अधिकारी जो है तैनात है, आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था कि 22 अगस्त यानी कि आज जो है चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे, लेकिन जो नेता थे, बड़े नेता थे, जो पिंजौर के नेता थे, किसान नेता, उनको जो है देर रात पुलिस प्रशासन द्वारा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, डिटेन कर दिया गया है। उसी के साथ अगर हम बरवाला और आसपास के रही पुरानी की बात करें तो पंचकुला जिले से जो किसान थे उन सभी से आंदोलन में आने की आह्वान किया था, लेकिन उधर से भी जो किसान है हरियाणा के किसानों की अगर हम बात करें पंचकुला जिले की तो किसान अभी तक जो है पंचकुला नहीं पहुंचे हैं। पंचकुला की स्थिति अभी तक सामान्य है क्योंकि पंचकुला में पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं पंचकुला हाउसिंग बोर्ड की ये तस्वीरें हम आपको साथ साझा करना चाहेंगे कि सामने जो है वाटर कैनन का जो किसान आज चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे वो कहीं ना कहीं उनके जो आंदोलन है वो विफल दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार पंचकुला को एकमात्र ऐसा एरिया माना जाता है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड किसान द्वारा कितने बार भी यहाँ पर जाम किया था, लेकिन अभी की स्थिति जो है वो यहाँ पर सामान्य है। जी चलिए दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विजय भी मेरे साथ जुड़े थे। विजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।